गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जहानारा और आप देख रहे हो मेरा चैनल जहानारा ऑल इन ऑन। तो गाइज देखिए, सुबह हो गए और काफ़ी लेट भी हो गया क्योंकि आज मेरा काम जो है काफ़ी लेट स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने पहले तो सब्ज़ी काट लिया क्योंकि मुझे जो है काम टाइम एक मतलब उतने ही टाइम के अंदर काम जो है अपना पूरा काम मैनेज करना है। मैंने अभी आप लोगों को बोरी दिखाया, मैं घर से लेके आई थी कलकत्ता से, तो मैं आज बनाऊँगी आलू बोरी की सब्ज़ी। मैंने प्याज थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा प्याज नहीं डाला है इसमें क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है कि प्याज कितना ज़्यादा महंगा हो गया है। और ये देखिए, ये बोरी मैंने डाल दिया है, ये उड़द दाल की बोरी है। ये मैं घर से जब लेके आती हूँ तब मैं 1 किलो लेके आई थी, फिर उसको मैंने अच्छे से तोड़ के फिर मैंने उसको रिफाइंड ऑयल में अच्छे से फ्राई करके रेड रेड करके फ्राई करके रख दिया है। ऐसे करके अगर आप रखोगे तो उसमें कीड़े नहीं लगेंगे क्योंकि एक बार मैं लेके आई थी काफ़ी सारा बोरी, वो बोरी बहुत ही अच्छा भी था, यम्मी था, लेकिन वो बोरी मैं खा ही नहीं पाई क्योंकि उसमें सारे कीड़े लग गए थे। तो इस बार इसके पापा लेके आए तो मैंने ऐसे करके ही रखा। तो ये ऐसे ही सिंपल तरीके से मैंने आलू और पूरी की सब्ज़ी चढ़ाई हुई है और इसमें बस अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और नमक हल्दी ये सब डाल के मैंने इसको अच्छे से मतलब ये कर लिया, फ्राई कर लिया अच्छे से उसको, जिसमें बोलते हैं कोस लिया, अच्छे से फ्राई कर लिया। फिर उसको मैंने पानी डाल के, जब लगने जा रहा था तभी पानी डाल के मैंने ये कर दिया, उसको सीटी लगा दिया, 3-4 सीटी लगाऊंगी। और ये देखिए, यही मछली मैं लेके आई थी, काफ़ी सारा बड़ा मछली था, उसका मैंने पूरा नहीं लिया है, आधा से भी ज़्यादा लिया है थोड़ा सा। और उसमें मैंने नमक हल्दी और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के उसको अच्छे से मिला के मैं आधा घंटे के लिए रख दूँगी। फिर मैं बनाऊँगी खट्टा डाल के, इमली डाल के मैं ये मछली बनाऊँगी, बहुत ही अच्छा लगता है इमली डाल के ये मछली, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इमली भी मैं घर से ही लेके आती हूँ, इमली, बोरी, खसखस ये सब मैं घर से ही लेके आती हूँ, नमकीन कुछ। तो ये पहले इमली को मैं अच्छे से धो लूँगी, फिर फेंक दूँगी वो पानी, फिर मैं जो जिस पानी में उसको मैश करूँगी वो वाला पानी लूँगी, ये वाला पानी मैं अभी लूँगी। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था। अब मैं मछली का सामान रेडी कर रही हूँ। मैंने प्याज, हरी मिर्च और लहसुन लिया था, इसको मैंने अच्छे से पीस लिया मिक्सी में। आप चाहे तो प्याज काट के भी डाल सकते हो लेकिन मैंने पीस के लिया था। थोड़ा सा ग्रेवी जैसा बनेगा तो अच्छा लगेगा वो भी खाने के लिए, थोड़ा सा तीखा तीखा बनाऊंगी। फिर देखिए, तेल गरम, जैसे ही गरम हो गया फिर मैंने इसमें तेल में डाल दिया सारा मसाला। फिर मसाला डालने के बाद मैं उसको नमक और हल्दी डाल के थोड़ी देर के लिए अच्छे से उसको पकाऊंगी। फिर उसमें मैं जब पकने लग जाएगा, वो थोड़ा सा तेल छोड़ने लग जाएगा, फिर मैं सारा मछली डाल दूँगी क्योंकि मछली डालने के बाद आप ज़्यादा हिला नहीं सकते हो क्योंकि हिलाओगे तो मछली टूट जाएगी। इसी वजह से मैं इसको मसाले को अच्छे से पहले पका लूँगी। तो ये पक जाएगा फिर इसमें मछली डाल दूँगी। ये देखिए पक गया है और मछली भी काफ़ी देर से रखा हुआ था। ये मछली 1 किलो से ऊपर का था, वही 1.5 किलो के आसपास लगभग आसपास था मछली, और बड़ा मछली था तो मुझे मतलब स्वाद भी बहुत अच्छा है इसका, ताज़ा ही मछली था। तो अब देखिए, ये मैं पूरा इसका मैश कर लूँगी अच्छे से, तब तक मैं इसको और हिलाऊँगी नहीं क्योंकि हिलाऊँगी तो अब मछली टूट जाएगा। फिर इसको अच्छे से मैश कर लूँगी, फिर इसका जो है कचरा सारा निकाल के रख दूँगी, मतलब फेंक दूँगी, सॉरी, फिर फेंक दूँगी, कचरा फेंक दूँगी और इसका जो पल्प है इसी को ही डालूँगी क्योंकि ये आप अगर पूरा ही डाल दोगे ना तो वो गले में लग जाएगा क्योंकि एक बार ऐसा एक्सीडेंट मेरी दीदी के साथ हुआ था, गले में लग गया था, वो जो सांस नाली है उसमें अटक गया था तो उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, फिर उसने उल्टी किया तब जाके उसका निकला। तो इसी वजह से मैं बोलूँगी कि आप इमली का पल्प डालोगे तो इमली का पूरा निकाल लेना क्योंकि चिपचिपा सा जो होता है इमली का। अभी देखिए, इसमें मैंने अभी थोड़ा सा देगी मिर्च डाल दिया क्योंकि कलर आ जाए, क्योंकि इसमें कोई मसाला मैं ऐड नहीं करूँगी और एक्स्ट्रा जैसे गरम मसाला हो गया ये सब मैं ऐड नहीं करूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, मैं हाथ से ही मैं हिला के दूँगी क्योंकि ये चम्मच डालूँगी तो फिर ये मछली टूट जाएगा। तो हाथ से डाल के मतलब धीमे आँच पर मैं इसको कुछ देर के लिए अच्छे से पका लूँगी, जब तक मतलब जितना फिर आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उतना ही रखना और बाकी सोख देना। और इसी बीच में देखिए, खाना बन रहा है और मैंने एक तरफ चावल भी चढ़ा दिया है इंडक्शन पे, तो बन रहा है। इसी बीच में जो है मैं जो बर्तन पड़ा हुआ था उसको मैं अच्छे से उसको साफ़ कर लूँगी बर्तन को, क्योंकि बर्तन भी हो जाएगा एक तरफ और खाना भी बन जाएगा। मेरा चावल लगभग बनने ही को आ गया है, चावल बन जाएगा तब मैं उसको गर्म रखने के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी बना रही हूँ तो उसको मैं हॉट पॉट में डाल दूँगी तो फिर वो चावल जो है खाने के टाइम भी गर्म रहता है, अच्छा भी लगता है क्योंकि चावल हम बार बार गर्म नहीं कर सकते हैं लेकिन सब्ज़ी बार बार गर्म किया जा सकता है। तो देखिए, ये मछली बन गया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कलर भी आ रहा है और बहुत अच्छा भी बना है। और अब देखिए, ये
मैंने लहसुन और मिर्ची काट के उसको तड़का लगाऊंगी। फिर ये जब रेड हो गया तब उसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया और मैंने आलू और बूरी जो था उसका वो डाल दिया। देखिए बूरी भी ऐसा था बूरी, लेकिन उसको मैंने तोड़ तोड़ के फिर उसको मैंने फ्राई करके रखा हुआ था। तो ये और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया। देखिए मिर्च पाउडर डालते हैं, इससे तीखा नहीं होता है लेकिन टेस्ट भी आता है और कलर भी अच्छा लगता है देखने में। नहीं तो सब्ज़ी जो है फीकी फीकी लगती है फिर, क्योंकि बोलते हैं ना जो चीज़ अच्छा देखने में अच्छा होता है वही चीज़ खाने में भी अच्छा होता है, चाहे हो या ना हो। और बच्चों के लिए मैंने थोड़ा सा मसूर का दाल बना दिया, क्योंकि लड़का जो है उसको नहीं जाएगा अंदर फिर उसका खाना, वो उसे थोड़ा सा तरी तरी चाहिए चीज़। बस नमक हल्दी डाल के इसको सीटी लगाऊंगी और इसका मैं नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे बनाया। और देखिए ये चावल जो बन गया था उसको मैं हॉट पॉट में डाल दूंगी। हॉट पॉट में डालने से जो है चावल जो है गर्म रहता है और खाने के टाइम भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस आज का मैंने ब्लॉग यही था मेरा, आज मैं रख दूंगी ढक्कन लगा के रख दूंगी, फिर मैं किचन साफ कर लूंगी। बस हो गया मेरा काम पूरा, फाइनली काम मेरा ख़त्म हो गया। तो काम ख़त्म हो गया, फिर मैं नहा धो के थोड़ा सा बाहर आई हूँ बाल सुखाने के लिए, क्योंकि मैं हेयर ड्रायर से अपना बाल जो है सुखाती नहीं हूँ, बाहर ही सुखाती हूँ। क्योंकि आप हेयर ड्रायर से बाल सुखाओगे तो वो तो ऐसे ही झड़ रहे हैं मेरे और भी झड़ेंगे, फिर इसलिए मैं नहीं सुखाती हूँ। बाहर ही थोड़ा सा नेचुरल तरीके से सुखाओगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो वही था, और आज मुझे उठने में काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि आयन तो स्कूल गया था, फिर उठने में लेट नहीं लेकिन काम थोड़ा लेट हो गया था। आयन स्कूल गया, आयन का आज स्कूल स्टार्ट था, जिनत तो घर में ही है। और मैं जब तुलसी पत्ता तोड़ने के लिए बाहर निकली थी तब मछली वाला आ रहा था, चाय बनाने के लिए तुलसी पत्ता तोड़ रही थी। तो फिर मछली वाला आया तो उसको वो मैंने मछली ले लिया, तो उसमें थोड़ा सा टाइम गया और ऊपर से उसने मछली काट के दिया, तो उसने ढंग से नहीं काट के दिया था, छोटा बड़ा पीस करके दिया था। तो मैंने फिर से उसको मुझे ठीक से एडिट करना पड़ा, उसको काटना पड़ा, तो उसमें भी काफ़ी सारा टाइम जो है वेस्ट हो गया। तो इसी तरीके से मैंने जल्दी जल्दी काम कर लिया, और जल्दी तो नहीं हुआ लेट ही हुआ है। और देखिए सारा काम मेरा जो है आज उल्टा ही हुआ, तो फाइनली काम ख़त्म ही हो गया। खाना बन गया, फिर मैंने झाड़ू पोछा लगाया, किचन साफ़ कर लिया, सब कुछ कर लिया, हो गया फाइनली काम ख़त्म हो गया। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं जो दिखाती हूँ वो कोई दिखावट नहीं है, मैं जो अब मेरे रियल लाइफ में जो होता है मैं वही दिखाती हूँ। तो ओके, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।